मुझे लगता है इस बात का प्रमाण है कि जैसे हम सदा ये कहते रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद क्षेत्रीय भेदभाव जाता रहा, साधनों का वितरण न्यायपूर्वक हुआ। मोदी जी ने कहा था जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, ये नहीं देखा जाएगा कि मजहब क्या है, जात क्या है, क्षेत्र क्या है, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि वोट किसको दिया। और ये प्रमाण आपके सामने है। और आप मुझे लगता है कि कभी 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 कोई पत्रकार, कोई विश्लेषक इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि क्या कारण था कि सन 47 में भारत आज़ाद हुआ और 30-35 बरस गुजर गए सन 1972 में पहली बार रेलगाड़ी के दर्शन करने को मिले जम्मू कश्मीर वासियों को, जब पहली रेलगाड़ी जम्मू आई, और उसके बाद कटरा का रेलवे स्टेशन का लोकार्पण मोदी जी के आने के बाद हुआ, उधमपुर का विस्तार मोदी जी के आने के बाद हुआ। ये स्वयं एक केस स्टडी है कि किस प्रकार तुष्टीकरण की नीति के तहत उस समय की सरकारें क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं देती थी, क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं थी।